निवेश और संसाधन। हमने पूंजीगत व्यय बढ़ा दिया है ताकि संगठन के पिछले भारी बैकलॉग को समाप्त किया जाए और मौजूदा तथा भावी जरूरतों को पूरा किया जाए। हमने वर्षों पुरानी प्रक्रिया संबंधी बाधाओं का निरीक्षण किया है और कार्यात्मक स्तर पर प्रभावपूर्ण ढंग से शक्तियों को प्रोत्साहन दिया है। इसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष की अंतिम तिमाही में पूंजी व्यय में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। हम वर्ष 2009 से 2014 की अवधि में 48,100 करोड़ रुपए के औसत पूंजीगत व्यय और 8% प्रतिवर्ष की औसत वृद्धि से आगे निकलकर उल्लेखनीय प्रगति करने में सफल हुए हैं। इस वर्ष हमारा निवेश पिछले वर्ष के औसत का लगभग 2 गुना होगा। ऐसा उछाल पहले कभी हासिल नहीं हुआ। वर्ष 2016-17 में पूंजीगत योजना के लिए 1.21 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। हमें बड़े निवेश के लिए कारोबार को आम नजरिए से हटकर देखने और फंड जुटाने तथा परियोजना निष्पादन के नए नए तरीके ढूंढने के लिए सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। देश के अवसंरचनात्मक विकास में भारतीय रेल अग्रणी रहेगी, चाहे वह राज्यों के साथ साझा उद्यम हो, पीपीपी के लिए नए ढांचे का विकास हो, रुपए बॉन्ड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर नजर रखना हो, या बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों के साथ संपर्क करना हो। भारतीय रेल देश में अवसंरचनात्मक विकास में अग्रणी रहेगी। हमने पहली बार स्वीकृत निर्माण कार्यों की पिंक बुक में राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा शुरू की जा रही भागीदारी परियोजनाओं की एक सूची शामिल की है। रेलवे में निवेश किए गए 1 रुपये में इतना क्षमता है कि समग्र अर्थव्यवस्था में 5 रुपये की वृद्धि कर सके। रेलवे में इस बढ़े हुए निवेश का आर्थिक विकास पर जो प्रभाव होगा वह अभूतपूर्व है। इससे एक आधुनिक और कुशल रेल प्रणाली का विजन साकार होगा। हमारा जो विजन है, हमें भारत के नागरिकों को एक ऐसी रेल सेवा मुहैया करानी है जिस पर वे गर्व कर सकें। सीमित क्षमता और गति के अवरोधों से मुक्त सेवा, ऐसी सेवा जो कुशल और लोगों की आकांक्षाओं पर खरी उतरने वाली हो, ऐसी सेवा जो शानदार हो और यादगार हो, जहां मेरे देश के लोग आराम महसूस करें, जहां हमारे पास रेलवे के सभी क्षेत्रों के कार्यकलापों के लिए काफी विकल्प हो और समूची रेलवे प्रणाली कार्य कर सके और पर्यावरण अनुकूल हो, अर्थात ऐसी प्रणाली जो अपनी वित्तीय और अन्य जरूरतों पूरी करने में सक्षम हो। हमें आशा है कि हम वर्ष 2020 तक आम आदमी की लंबे समय से चली आ रही आशा को पूरा कर सकेंगे। इनमें है गाड़ियों में आवश्यकता के अनुसार आरक्षण उपलब्ध होना, विश्वसनीय सेवा प्रतिबद्धता के साथ मालगाड़ियों को समय सारणी के अनुसार चलाना, संरक्षण रिकॉर्ड में पर्याप्त सुधार के लिए उच्च स्तरीय तकनीक, बिना चौकीदार वाले सभी संपारों को समाप्त करना, समय पालन लगभग 95% तक पहुंचाना, मालगाड़ियों की औसत गति को 50 किलोमीटर प्रति घंटे और मेल एक्सप्रेस गाड़ियों की औसत गति को 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाना, स्वर्णिम चतुर्भुज पर सेमी हाई स्पीड गाड़ियां चलाना, गाड़ियों से मूल मूत्र के डिस्चार्ज को समाप्त करना। मैं डॉक्टर विवेक देबराय की अध्यक्षता वाली समिति सहित विभिन्न समितियों का आभारी हूं जिनकी सिफारिशों ने हमारे विजन का आधार रहा है। उनकी अनेक सिफारिशों का पहले ही मेरी बजट भाषण का अंग होने के कारण तेजी से कार्यान्वयन हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि तेजी, कुशलता और पूरी पारदर्शिता के साथ विजन को वास्तविकता में बदला जाए। अपना दूसरा बजट भाषण आरंभ करते हुए मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि यह अवसर केवल नई योजनाओं की घोषणाओं का ही नहीं है, बल्कि पिछले वर्ष के कार्यों को परखने का भी है। जिम्मेदारी सदा से ही सार्वजनिक जीवन का सिद्धांत रही है। मैं सहर्ष यह घोषणा करता हूँ कि पिछले वर्ष की गई 139 घोषणाओं पर कार्यवाही आरंभ की गई है। पहली बार कार्यान्वयन रपट इस भाषण के साथ अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न है।